इंडियन कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। इस शहर में चोरी चकारी के वारदात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शहर में तो क्या, पूरे देश में जुर्म बढ़ गया है और इस जुर्म को मिटाना होगा और इसे हम मिटाएंगे। हमारी सुरक्षा पार्टी मिटाएगी। हमारा नारा है, हमें जिता दो, जुर्म को मिटा दो। भले राम जी। देखना देखना देखना, सारे संसार तुम देखना, आगे चलकर हमारी सुरक्षा पार्टी सुरक्षा मंत्रालय कराएगी और हम इस देश के सुरक्षा मंत्री कहलाएंगे। भले राम जी, भले राम जी। एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए, इतना आगे मत बढ़िए, अब आप नेता ना ही रहे। 7 बार इलेक्शन हारने के बाद 5 महीने पहले आपने ये सिक्योरिटी एजेंसी खोली है, जिसका आज तक एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, अच्छा है, ये बिना तनख्वाह के नौकरी कर रहे हैं। और इसका पहले 8 सिक्योरिटी गार्ड आपका भाषण सुन सुनकर बाहर भाग चुके हैं। अगर ऐसा ही भाषण जारी रहा तो ये 6 भी 9, 2, 11 हो जाएंगे, आप देखते रह जाओ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हमको क्या करना चाहिए? देखिए, भाषण बंद कर दीजिए, सब सुखी हो जाएंगे। अरे ना टाइम देखते हैं, ना जगह देखते हैं, शुरू कर देते हैं भाषण। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे तो काम ढूंढना भी तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? अरे कोई काम नहीं देता तो हम क्या करें? टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना चाहिए। अरे यार, ये कौन दरवाजे की घंटी बजा रहा है? अरे दरवाजे का नहीं, 5 महीने में पहली बार ई फोन का घंटी बजा है। उठाइए उठाइए, नहीं तो बंद हो जाए। उठाइए, बज गया यार। हेलो, नहीं, हाँ जी, रॉन्ग नंबर रहा ना? नहीं यार, ये कौन सदी चल रही है? 21। तो 10वीं सदी के महाराज बबूशा की ताज की सिक्योरिटी का हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला। Stay tuned. We promise to keep you entertained. Do not forget to subscribe to our channel.